तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट नंबर 5 को, जिसमें हम PHP के बारे में डिस्कस करेंगे कि PHP क्या होता है, क्या इसका कमांड हम किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो PHP में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पे पहला पॉइंट कह रहा है कि देयर हैव ए लॉट ऑफ PHP कमांड वैली अवेलेबल फॉर द यूज़ इन द वेरियस एनवायरमेंट, स्पेसिफिकली फॉर प्रिपेयरिंग ऑन वेब एप्लीकेशन और इम्बेडिंग द इंटायर सर्वर साइड कोड बेस विथ HTML सिंटेक्स एंड वेरी इजी टू लर्न द नॉर्मल डेवलपर। यानी PHP कमांड का हम यूज़ करते हैं, जो HTML चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ों को हमें डेवलप करना होता है उसमें हम PHP कमांड का यूज़ करते हैं। ओवरऑल इस सिंटेक्स का कहने का मतलब ये है, ये पूरा इंटरफेस कहने का मतलब वही बता रहा है। एंड सम ऑफ द बेसिक PHP कमांड आर मेंशन बिलो, जिससे आपका PHP वेरिएबल हो गया। तो PHP वेरिएबल के टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे टाइप आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, जिसमें आपका स्ट्रिंग आता है, इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, बुलियन आता है, ऑब्जेक्ट आता है, रिसोर्स आता है, एरे आता है और नन वैल्यूज़ आते हैं। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन से पहले पहले आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, इसलिए जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। PHP ऑपरेटर की हम बात करें तो ऑपरेटर फॉर असाइनमेंट, असाइनमेंट के लिए हम कौन से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम जो किसी भी चीज़ को ऐड करना होता है या फिर माइनस करना होता है, डिवाइड करना होता है, मॉडुलस करना होता है, उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना होता है, तो हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ तो जो आपका ऑपरेटर होता है कॉम्बिनेशन के लिए, उसके लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, और लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए जो कि बेसिकली एंड और नॉट ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और PHP इफ एल्स क्या होता है, तो कंडीशन जिसमें चेक होती हैं, तो ये बेसिकली PHP का ही पार्ट है। PHP स्विच के बारे में भी बताया गया है, आपको इंटरफेस पे मौजूद है सारी चीज़ें। PHP लूप भी आपके सामने है, वाइल लूप क्या होता है, डू फॉर लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने HTML वेब पेज के अंदर। और कनेक्ट टू सर्वर यानी किस तरीके से हम सर्वर को कनेक्ट करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, तो इसका बेसिक सा सिंटेक्स आपके सामने इंटरफेस पर नज़र आ रहा होगा। और सारी सिंटेक्स को आप लिखते चलिएगा, चीज़ों को स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हो तो ले लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि चीज़ें अगर आप क्लियर रखेंगे, नोट्स अगर तैयार रखेंगे, तो एग्जामिनेशन से पहले पहले आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगी। अगर जब तक आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर लेते तब तक चीज़ों को आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेके चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और लिस्टिंग टेबल भी आपके सामने मौजूद है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ MySQL। ओके, और नोट ऑन द टेबल अबव, ये नॉट नल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इंसर्टिंग डेटा क्या होता है, डेटा को किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं, किस तरह से हम अल्टर करते हैं किसी भी टेबल को, क्या प्रोसीजर होता है, क्यूरीज़ क्या होते हैं, क्यूरीज़ हम MySQL में किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद डिलीटिंग डेटाबेस, यानी किस तरीके से हम डेटाबेस को डिलीट करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। और डिलीटिंग डेटा एंड टेबल्स, यानी किस तरीके से हम डेटा को टेबल को डिलीट करते हैं, किस तरीके से उस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने इंटरफेस में नज़र आ रही होंगी। उसी के साथ हमने IWT के कंप्लीट नोट्स को कंप्लीट किया, वीडियो सीरीज को कंप्लीट किया, और मुझे लगता है कि उसमें छोटी बड़ी गलतियां हुई हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। और इसके लिए बेसिकली ये है कि हमारा जो टारगेट था वो ये था कि एग्जामिनेशन से पहले पहले चीज़ें आप तक प्रोवाइड करा दी जाएँ, और वो हमने कर लिया फ्रेंड। बस अपने सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके, और आपका जो आने वाला सेमेस्टर है वो बेहतर से बेहतरीन हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के माध्यम से बनाए रखिए। मिलते हैं सेंटेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।